आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण शिवरात्रि की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। वे घर में नई नई खुशियों का आगमन होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप हमें भगवान महादेव की प्रिय शिवरात्रि का कथा महत्तम सुनाएं। सूत जी कहने लगे, शिवरात्रि भगवान महादेव को अति प्रिय है। इस दिन का किया गया पूजन मनुष्यों को अनंत फल देने वाला होता है। इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरु ध्रुव नाम का एक भील अपने परिवार के साथ रहता था। वन के पशुओं का वध और चोरी करना उसका नित्य का नियम था और इसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन था। उस दिन उस व्याध के घर भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। उसके माता पिता सभी भूखे थे। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने उसे कहा, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए भोजन लाओ। यह सुनकर वह व्याध अपना धनुष बाण उठाकर शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश वह सारा दिन फिरता रहा, किंतु कोई शिकार हाथ नहीं आया। रात हो गई, शिकारी व्याकुल हो उठा। खाली हाथ भी घर नहीं लौट सकता था, क्योंकि वह जानता था कि घर में सब भूखे बैठे हैं। उसके घर जाने पर सब भोजन की मांग करेंगे। तभी उसे वहां एक तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, यहाँ तालाब है और रात्रि में कोई ना कोई जानवर जल पीने आएगा, जिससे वह उसका शिकार कर घर ले जाएगा। ऐसा सोच वह तालाब के किनारे स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर बैठ गया। उसने अपने साथ पीने के लिए थोड़ा सा जल भी रख लिया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी वहां जल पीने आई। हिरनी के जल पीने की आवाज जैसे ही भील ने सुनी, उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। हलचल होने के कारण भील के हाथ से कुछ जल व बेल के पत्ते वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर गए, जिससे अनजाने में ही भील के हाथों शिवरात्रि की रात के प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई, जिससे भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, यह आप क्या करने लगे हैं? भील बोला, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, उनके भोजन के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा, यदि मेरा मांस तुम्हारे परिवार के काम आ सके तो इससे बड़ी कोई बात ना होगी, लेकिन घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन के हवाले कराऊं, मुझे इतना समय दे दो। हिरनी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगी, शीघ्र ही लौट कर आऊंगी। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती, कृतघ्न एवं शिवद्रोही को लगता है।
इस प्रकार जब हिरनी ने भील को विश्वास दिलाया तो भील ने उसे जाने दिया और हिरनी चली गई। इस तरह भील के द्वारा अनजाने में शिवरात्रि की पवित्र रात का शिव पूजन व जागरण हो गया। कुछ देर में हिरनी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने झट से फिर अपना बाण धनुष पर चढ़ाया और हलचल होने के कारण पहले की तरह जल व बेल पत्र भगवान भोलेनाथ पर चढ़ गए। इससे उसके द्वारा शिवरात्रि के दूसरे पहर का शिव पूजन हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। पहली हिरनी की तरह उसने भी पूछा, हे भीलराज, ये आप क्या कर रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहली हिरनी को दिया था। हिरनी ने कहा, मेरे घर पर मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन के हवाले कर जल्द ही लौट आऊंगी, कृपया तुम मुझे इतना समय दे दो। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। अब भील का शिवरात्रि के दूसरे पहर का भी जागरण व पूजन हो गया। अब रात्रि का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। भील ने देखा एक मोटा ताजा हिरन तालाब पर जल पीने आया है। भील ने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिलने डुलने के कारण फिर से कुछ जल व बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ गए और रात्रि के तीसरे पहर का पूजन उस भील के हाथों हो गया। धनुष पर बाण चढ़े देख हिरन ने पूछा, हे भीलराज, ये आप क्या कर रहे हैं? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया। हिरन बोला, मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़ कर आया हूँ, कृपया आप मुझे इतना समय दें, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र लौटाऊंगा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप मुझ पर विश्वास रखिए। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन जल पीकर चला गया। अब भील का तीसरे पहर का शिव पूजन व जागरण भी उसके हाथों हो चुका था। उधर वे तीनों घर पर जाकर इकट्ठे हुए तो अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमें शीघ्र ही भील के पास लौटना है। उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और चलने को तैयार हुए। अब जो हिरनी सबसे पहले प्रतिज्ञा करके आई थी कहने लगी, आप मेरी छोटी बहन के साथ मेरे बच्चों को संभालें, मैं भील के पास जाऊंगी। तब दूसरी हिरनी ने कहा, नहीं, आप लोग अपने बच्चों के पास रहिए, भील के पास मैं जाऊंगी। तब हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, तुम दोनों यहीं रहो, मैं भील के पास जाता हूँ। तब दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो उठी और कहने लगी, बिना पति के कैसा जीवन, आपकी मृत्यु के बाद हम कैसे जीवित रह सकती हैं, इसलिए हम वहाँ अवश्य जाएंगी। और वह तीनों अपने बच्चों को समझा बुझा कर चल पड़े। बच्चों ने देखा, जब माता पिता जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वह भी उनके साथ हो लिए। इस प्रकार वे सब के सब वहां पहुंच गए जहां भील था। उन्हें आया देख भील ने झट धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ जल व बेल पत्र झड़कर शिवलिंग पर जा चढ़े और इससे भील के हाथों शिवरात्रि के चौथे पहर की पूजा हो गई और उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। जब हिरन ने कहा, हे भीलराज, हम सब उपस्थित हैं, आप हमारा वध कर अपने परिवार की भूख मिटाएं, जिससे कि हमारी यह देह सफल हो जाए।
तब भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त ज्ञान द्वारा भील सोचने लगा, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य हैं, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन चुका हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार विचार कर भील कहने लगा, हे मृगराज, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। भील के इतना कहने की देर थी कि स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए और बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान भोलेनाथ के वचन सुन भील भगवान के चरणों में लोटपोट हो गया, आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने भील को आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपने परिवार के साथ श्रृंगवेरपुर में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो, सुखपूर्वक जीवन यापन करो। एक समय श्री रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे, भक्ति पूर्वक तुम्हारी उनके साथ मित्रता होगी। भगवान शंकर से ऐसा आशीर्वाद पाकर वह व्याध कृतार्थ हो गया और सभी सुखों को भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार जब बिना जाने एक पापी व्याध अनजाने में भगवान शिव की पूजा व जागरण कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, स्वयं भगवान उसके घर आ सकते हैं, तो ज्ञान सहित इस उपवास व्रत को धारण कर सुख समृद्धि ऐश्वर्य ज्ञान व परमात्मा की ओर जाने वाले परम पद को भी पाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे।